नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल न्यूज़ अपडेट पर हार्दिक स्वागत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो में कम टाइम लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है फॉर कंडक्टिंग द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस / इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्ज़ाम 2024। इसके लिए दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक IES का एग्ज़ाम और IISS का एग्ज़ाम के लिए 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इसको जरूर अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में बात करें तो टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 48 वैकेंसीज हैं। अगर इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 10 अप्रैल से का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2024 है टिल 6 PM तक। अगर बात कर ली जाए डेट ऑफ फॉर करेक्शन विंडो की 1 मई 2024 से लेकर 7 मई तक, डेट ऑफ एग्ज़ाम 21 जून 2024। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। यहाँ पे ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये हैं। फीमेल SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। पेमेंट मोड इसका थ्रू एनी ब्रांच ऑफ SBI। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एज की, मिनिमम एज 21 ईयर, मैक्सिमम एज 30 ईयर। ठीक है, बात कर लेते हैं इनके लिए क्वालिफिकेशन के। अगर आप IAS यानी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैंडिडेट शुड पजेस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इकोनॉमिक्स में या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में। और अगर आप इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये आपको अप्लाई करने से पहले UPSC की वेबसाइट पर विजिट करना है, वहाँ से अच्छी तरह से नोटिफिकेशन रीड कर लेना है। ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी और आपको बता दें यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की 18 वैकेंसीज और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज की 30 वैकेंसीज हैं। तो आप जरूर अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो। ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच।